दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हुए हैं। दोस्तों आप लोग जाते होंगे मार्केट में, तो आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में क्या होता है कि हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन वो हिंदी वाला बात ही अंग्रेजी में लिखा रहता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है, अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को हम अंग्रेजी आसानी से, एकदम आसानी से आपको अंग्रेजी जो हिंदी लिखा रहेगा उसको हम अंग्रेजी करके बताएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी कि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी हम, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद हम आ भी जाएं आपके आपके मोबाइल में। सब्सक्राइब अगर नहीं रहेगा तो नहीं भी आ सकते हैं। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमल। अब दोस्तों कमल को हम लोग कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में, हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना? बहुत सारे लोग देखते होंगे कि वो जो भी बात उसको बोलिए, किसी का नाम बोलिए, वो तुरंत झट से लिख देता है, या कोई जगह का नाम बोलिए या देश का नाम बोलिए। जैसे अपना देश का नाम भारत है, तो भारत अब अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा? या कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड हो, उसको अंग्रेजी में आप हिंदी लिखा रहेगा तो उसको आप अंग्रेजी कैसे बनाइएगा, वही हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कमल लिखा हुआ है, तो क है ना यहाँ पर, तो क का हो जाता है के, ठीक है? अब यहाँ पर आकार नहीं है लेकिन ये बीच में है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, तो क के ऐसे क हो जाता है ना? और यहाँ पे म है, तो म का क्या हो जाता है, म का एम हो जाता है, लेकिन ये बीच में है तो इसमें भी हम ए लगाएंगे, है ना? जो बीच में रहता है तो उसमें ए लगा दिया जाता है। और लॉ का क्या होता है, एल, तो ये हो गया कमल। तो दोस्तों कमल आप लोग को लिखने आ गया। उसी तरीका से यहाँ पर लिखा हुआ है नटखट, ठीक है? अब नौ, नौ का क्या होता है, एन हो जाता है। अब इसमें भी ए लगेगा तो ये हो गया नौ। आ ट का क्या होता है, टी हो जाता है, तो नट हो गया। आ के एच से हो जाता है ख, तो हो गया के एच, तो नट ख। आ एक ख बोलते हैं तो हल्का अ बोलाता है ना, तो यहाँ पे ए लग गया, तो नट ख। आ टी से होगा ट, तो हो गया नटखट। उसके बाद है रतन। अब रॉ का आर हो जाता है और यहाँ पे कुछ नहीं है, हाइफन नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे ए लग जाएगा, तो हो गया रॉ। और तो का क्या हो जाता है, तो का हो जाता है टी, तो हो गया रत। और यहाँ पे ए लगाएंगे तब रत हो गया। और नौ का हो जाता है एन, तो हो गया रतन। उसके बाद दोस्तों यहाँ है टम टम, तो टी ए से हो गया ट, है ना? बोले थे इसमें टम, टम बोलते हैं तो सीधा टम बोलाता है, हल्का ओ नहीं बोलाता है, इसलिए यहाँ पे सीधा मो ही लगेगा। फिर टी ए से ट और एम से मो, तो ये हो गया टम टम। उसके बाद है मदन। किसी किसी का नाम रहता होगा मदन, तो एम से मो होता है और मो बोलते हैं तो हल्का ओ बोलाता है ना, तो यहाँ पे ए लगा देते हैं तो मो हो गया। और डी ए से हो गया दो, तो मदो हो गया। और नौ का हो गया एन, तो ये हो गया मदन। उसके बाद है सरगम, तो एस से होता है सौ और ए लगा दिया तो सा हो गया, लेकिन सौ ये पढ़ते हैं। आर से होगा रौ, तो सर। जी ए से हो गया गो, एम से हो गया म, तो ये हो गया सरगम। उसके बाद है सबक, तो एस से सौ होता है और यहाँ पे हल्का ओ बोलाता है तो ए लगा दिए तो सौ हो गया। आ बी से ब होता है, ए लगा दिए तो ब हो गया। आ के से होता है क, तो हो गया सबक। उसके बाद है अदरक। ए आ डी से होता है अद, और आर ए से होता है र, आ के से क, तो हो गया अदरक। उसके बाद दोस्तों है रमन, तो आर से र होता है, हल्का ए लग गया तो र हो गया। और एम ए से म हो गया और एन से न, तो हो गया रमन, ठीक है? उसके बाद है कसरत, तो के ए से क और एस ए से स, आर ए से र, और टी से त, तो ये हो गया कसरत। इधर में कमला, तो के जब बोलते हैं तो हल्का ओ बोलाता है, तो के ए से क, एम से म, तो कम हो गया। और लॉ कर ला, तो एल ए से हो गया लॉ कर ला, तो ये हो गया कमला। इधर में है तबला, तो टी ए बी से तब और एल ए से ला, तो ये हो गया तबला। रजमा, अब दोस्तों यहाँ पे रजमा बोलते हैं तो र का हो जाता है आर, और यहाँ पे आकार नहीं है लेकिन तब भी यहाँ पे ए लग जाता है, तो हो गया र।
आज जो कहा जाता है जे तो रज, एम एस हो गया मा, तो ये हो गया रजमा। मझधर एम ए से म, आज झ है ना तो झ का होता है जे एस से झ, तो मझ आ ए लगा देंगे तो मझ, आ डी ए से दो आर से रो, तो मझधर। ठीक है, उसके बाद है धनपत, तो ध का हो जाता है डी एच से ध और ए लगा देंगे क्योंकि हल्का ओ बोलाता है, ध बोलते तो हल्का ओ बोलाता है, तो ध हो गया। एन से हो गया नौ, तो धन, अब पी ए से प हो गया, टी से तो हो गया धनपत। इधर में है दर दर, दर दर है ना, दो बार लिखा हुआ है दर दर, तो डी ए से हो गया दो है ना, और रो रो का हो गया आर, तो हो गया दर, और फिर दर लिखा हुआ है तो डी ए आर से दर, तो दर दर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कल कल, तो दो बार कल कल लिखा हुआ है, तो के ए एल से कल, और फिर कल है तो फिर हम लिख देंगे के ए एल, तो हो गया कल कल। उसके बाद है धर कन, तो डी एस से ध होता है और ए से हो गया ध, र का हो गया आर, तो हो गया धर, आ कन, तो के ए एन से नौ कन। दोस्तों ये दो बार दो लिखा हुआ है, दो चीज धर कन अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन एक साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम भी लिख दिए धर कन। उसके बाद है मल मल, अब ये भी दो बार लिखा हुआ है मल मल, तो एम ए से म, आ ल कहा जाता है एल, तो हो गया मल, फिर एम ए से, एम ए से म और ल का तो एल, तो हो गया मल मल। लटकन, तो एल ए से ल, टी से ट, तो हो गया लट, के ए से क, एन से न, तो हो गया लटकन। लटपट, एल ए से ल आ टी से ट लट, पी ए से प आ टी से ट लटपट। इधर में है टम टम, तो ट का क्या हो जाता है, ट का टी होता है, तो टी ए से हो गया ट, आ एम से हो गया म, टम, आ बट है, तो बी ए से ब आ टी से हो गया ट, तो हो गया टम बट। उसके बाद है झटपट, तो जे एस से हो गया झ, आ ए लगा दिए थे झ हो गया, आ ट का होता टी, तो हो गया झट, आ पी ए से प हो गया, आ ट का टी होता है, तो हो गया झटपट। उसके बाद है बरगद, तो बी ए आर से हो गया बर, अब ये गद है ना, तो गद, तो जी से गो होता है और गो जब बोलते हैं तो हल्का ओ बोलाता है, तो यहाँ पे ए लिखती है, तो बर गो, और डो का हो जाता है डी डी, तो हो गया बरगद। तो फ्रेंड अभी हम आपको इस वीडियो में आपको हिंदी का अंग्रेजी करके बताएं जो आपको आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और पिछला वीडियो जो हम बताए हैं उस वीडियो को आप देखें, बहुत ज़्यादा आपको हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी आपको करने आएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।